لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف قال الله تعالى الله تعالى إرشاده ما يلفظ من قول نهيك کوئی لفظ نکلتا बात में से लफजा कमाना होता फेंकना तो मुंह से हम जो कुछ निकालते हैं गोया वो भी बाहर फेंक रहे होते हैं जो हमारे दिल में होता है इल्ला मगर लदई ही उसके पास ही रकीबन निगरान होता है अतीत तैयार तैयार निगरान हाजिर बाश अलर्ट फौरन उसको नोट कर लेता है गोया जो कुछ हमने आज तक बोला लिखा हुआ है इसलिए फिर क्या बोला करें قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا कहो लोगों से अच्छी बात खूबसूरत बात ऐसी बात जो दूसरों का दिल खुश कर दे जो दूसरों को ज़ख्मी ना करे जो दूसरों के लिए अच्छे रास्ते खोल दे एक और जगह पर आता है क़ूल क़लन सदीद दुरुस्त बात करो युस लहलकुम आमा तुम्हारे आमाल को वो दुरुस्त कर देगा गोया अच्छी बात अच्छे अमल की तरफ ले जाती है तो अच्छी बात की पहचान क्या है अच्छी बात अच्छे अमल की तरफ ले जाती है भूलो कौलन सदीदा युस लहलकुम तुम्हारी दुरुस्त बातों से तुम्हारे अमल भी दुरुस्त हो जाएंगे एक और जगह पर कौलम मारूफा की बात आती है कि जब इंसान बात करे तो मारूफ अंदाज में करे मुभम ना हो ऐसी बात ना हो जो ज़ूमाना हो और लोगों को कंफ्यूज कर दे या मिसलीड करे कौलन करीमा भी आती है मुअज़्ज़ज़ अंदाज़ में बात कि जिससे कोई दूसरा अपनी बेइज्जती महसूस ना करे अनाली यन قال قال رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फिल् जन्नत गुर्फन ترى زهورها من بطونها وبطونها من زهورها فقام عربي

कि रसोलम ने फरमाया इन नफिल जन्नति यकीन जन्नत में गुरफन बाला खाने हैं बुलंद मारते हैं तरा तुम देखोगे हूर हा उनकी पुश्ते मिन बुतून हा उनके बुतून यानि अंदर से यानी उनका बाहर का हिस्सा तुम उनके अंदर से देखोगे वह बुतून हा मिनूर हा और उनके अंदर का हिस्सा उनके पीछे से ये बतन होता है किसी चीज का छुपा हुआ हिस्सा और जहर होता है किसी चीज का वो हिस्सा जो जाहरी हो तो एक माना तो यूं समझ में आता है कि जैसे वो अंदर के लोग या अंदर होते हुए बाहर की चीजें देख सकेंगे या ये कि बाहर होते हुए अंदर के नज़ारे भी नजर आएंगे लेकिन यहां पर जो जहर और बतन है इससे मुराद कुछ और भी हो सकती है कि वो अंदर होते हुए उसका पिछला हिस्सा भी देख सकेंगे और बाहर होते हुए उसके एन अंदर भी देख सकेंगे मसला आप अपने बाग में टहल रहे हैं तो आप घर के वो अंदर क्या हो रहा है उसको भी देख सकते हैं और अंदर है तो वो बाहर के सीन क्या हैं अब तो ये होता ना हम अंदर हो बेसमेंट में हो कोई पता नहीं बाहर का मौसम कैसा है और अगर बाहर हो तो कोई पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है तो असल बात यह है कि जन्नत को हम दुनिया में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कोई चीज़ है ही नहीं वैसी कि आपको ना वो टेक्नोलॉजी है यहाँ और ना ही वो अली मैार की चीज़ें हैं इसलिए किसी चीज़ से रिजेम्बल करके या तशबी दे के भी नहीं बता सकते कि वो फलाँ इमारत जैसी या फलाँ चीज़ जैसी तो इसलिए सिर्फ अल्फाज के ऊपर ही गौर करना पड़ता है कि या फिर इमेजिनेशन से काम लेना पड़ता है फ़काम आराबी यून तो एक आराबी खड़ा हो गया फ़क कहने लगा लिमन ही है या रसूल अल्ला अल्लाह के रसूल सल्ला वो घर किसके हैं वो किसको मिलेंगे फ़क तो आपने फरमाया लिमन अताबल अतकाम जिसने शीरी कलामी की जिसने अच्छी तरह बात की जिसने कलाम को ख़ूबसूरत कर लिया अताब तयब उमदा पाकिजा शीरी शीरी का क्या माना होता मीठा स्वीट वो अत आमत और खाना खिलाया वह अदाम सियामा और अक्सर रोज़े रखे अदाम दवाम से है बहुत रोज़े रखे वसल्ला और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी बिल्ली रात के वक्त यानी तहजद व नासनियामन ख़ास तौर पर उस वक्त जब बाकी लोग सो रहे हों नींद के मज़े ले रहे हों और वह शख्स उठ के नमाज अदा करे उसको ऐसे घर मिलेंगे जन्नत में और इसमें आप देखिए कि नंबर वन क्वालिटी जो बताई गई है वो क्या है अकाबल कलामा हाइस्ट क्वालिटी अच्छी से बात करना और फिर उसके बाद अतामत आम अताम। और फिर अदाम सियाम अब देखिए अच्छा कलाम दिल खुश कर देता है अच्छा खाना पेट को भर देता है और रोज़ा रखना रूह को सैराब कर देता है सल्ला बिल्लीवन्ना सुनियाम और रात की नमाज आंखों की ठंडक होती है तो बात यह है कि हमारा दिन हमें ऐसे तरीके बताता है कि जिससे हमारे जज्बात हमारी जबान हमारी आंखें और दिल और रूह और जबान हर चीज़ सैराब हो जाए कितना बैलेंसड दीन है कितना मुतवाजन किस कदर उमदा और यही तोजन हमारी जिंदगी में नहीं रहा अगर हम एक चीज़ पर आते हैं तो दूसरी सब भूल जाते हैं बस उसी को पढ़ लेते हैं और बाकी सब कुछ परामर्श कर देते हैं जबकि इन सब चीज़ों की तरफ तोज्जो की ज़रूरत है अब आप देखिए कि ये जो बात यहाँ फरमाई गई क्योंकि हमारा मौजूद इस वक्त अतावल कलाम है तो इसलिए तफसील से ज़्यादा इसी पे बात होगी कोई भी कलाम या गुफगु या बात उम्दा कैसे होती है उसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है पहली बात यह है कि अल्फाज का चुनाव अंदाज रवैया लहजा टोन और फिर सबसे बढ़कर नीयत और मकसद बात करने का ये सारी चीज़ें अगर उमदा हो तो बात उमदा होती है मसलन यूज़ ऑफ वर्ड्स जो है अल्फाज का चुनाव जो है अगर सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अच्छी भली सही बात क्या बन जाएगी लड़ाई का जरिया बन जाएगी और इसी तरह अगर आप उमदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो सख्त से सख्त बात भी दूसरे के लिए क्या होगी काबिल बर्दाश्त होगी जैसे कहते हैं ना सच कड़वा होता है लेकिन अगर सच प्यार से बोला जाए तो बर्दाश्त हो जाता है बात एक ही होती है लेकिन अल्फाज के फर्क से बात बदल जाती है एक अच्छा एटमोसफियर भी खराब हो जाता है किससे अल्फाज के गलत इस्तेमाल से फिर इसी तरह आप देखिए अंदाज या रवैया जो होता है गुफ्तु के वक्त कुरान पाक में आता है लात सान्नास लोगों से मुंह मोड़ के बात ना करो यानी बाजुकत बात हम किसी से कर रहे होते हैं और देख किसी और तरफ रहे होते या ये कि उसको ध्यान नहीं देते फिर इसी तरह रवैया और हमारा स्टाइल बाजुकत हम वाजे बात नहीं करते या तेज तेज बोलते चले जाते हैं बाजुकत ऐसे एक्सेंट में बात करते हैं कि जो दूसरों के लिए नाकाबिले फहम होता है या फिर केजुअल अंदाज में बात कर रहे होते हैं या स्लैंग बोल रहे होते हैं ये भी तो अल्फाज का चुनाव ही है ना आप अलैहि वसल्लम अपने बारे में फ़रमाते हैं कि अफसह अल अरब लेकिन आज आप देखें कि लोग लिखने में बोलने में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो स्टैंडर्ड पर नहीं आता उसके ज़रिए दूसरों को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी बदमज़ा करते हैं और ख़ुद भी अपनी शख्सियत की गलत नुमाइंदगी करते हैं फिर इसी तरह आप देखिए कि जो टोन है आप किसी पर तंज कर रहे हैं आप किसी के साथ हमदर्दी से बात कर रहे हैं आप किस अंदाज़ में बात कर रहे हैं और फिर किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं ये भी काउंट करता है और फिर ये कि आप किस नीयत से बात कर रहे हैं चाहे किसी कि बात के अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो और आपका लहजा कितना ही मीठा क्यों ना हो लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है उससे आपको दूसरे को ताना देना है या उसको अजियत देना है तो चाहे आप कितनी अच्छी बात करें वो दूसरे के लिए तकलीफ देह हो जाएगी तो कहने का तो कलाम एक चीज़ है लेकिन बहुत सी चीज़ों का मजमु है लिहाजा उन सब चीज़ों की तरफ हमें तोज्जो देना होगी जब जाके वो कलाम अकाबल कलाम होगा अलकल मत बतु सदक आप वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ औरत कसरत से इबादत करती है यानी नमाज रोज़ा करती है सदका खैरात भी खूब करती है यानी दूसरों को देती भी है काम भी आती है लेकिन उसके हमसाए उसकी ज़बान दराजी से नाला है उसके हमसाए उसकी ज़बान दराजी से यानी उसकी बातों से बहुत तंग है आपने फ़रमाया ये औरत दो का कुंदा है फिर साहिल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फलाँ औरत नमाज रोज़ा और सदका खैरात वाजबी तौर पर करती यानी जो फ़रज़ हैं बस वही अदा करती मगर उसके हुसन अखलाक की बदौलत यानी अच्छी गुफ्तू और अच्छे अखलाक़ की बदौलत उसके हमसाय उससे बहुत खुश हैं उसके आस पास रहने वाले लोग उससे बहुत खुश हैं फरमाया ये खुश नसीब जन्नत में जाएगी किसी को ज़बान से दुख देना कोई मामूली बात नहीं है आप सारी ज़िंदगी की नेकियाँ बर्बाद कर सकते हैं एक सख्त और कड़वी बात करके ये जितनी बड़ी दौलत है उतना बड़ा इम्तिहान भी है हम सब के लिए इंसान बहुत सी बातें तकरीरों से नहीं सीख सकता वो अमली नमूनों से सीखा करता है कि चलते फिरते लोग उसके आसपास क्या कर रहे हैं क्योंकि कुदरती तौर पर इंसान ना चाहते हुए भी लोगों के रवैयों से सीख रहा होता है देखिए ना जब हम बोलते हैं तो हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं हम चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं वो हमसे सीख रहे हैं हम बदतमीजी से चल रहे हैं दरवाजे पटक रहे हैं बर्तन फेंक रहे हैं वो सब सीख रहे हैं हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं हम फोन पर बात कर रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं हमारा आसपास का माहौल हमसे सीख रहा है अनकॉन्शियसली हम दूसरों से और दूसरे हमसे मुतासर होते हैं हम अपने आसार छोड़ रहे हैं दूसरों के लिए और यही चीजें हमारी दूसरों के लिए यादें बन जाती हैं तो हमें इन सारे निकात पर उनको सामने रखकर अपने आप को पहचानना और अपनी असलाह करनी है अगली हदीस में हम देखते हैं अनबी हुरही रहता अन नबी वन बिलकली रिदवान लाकी लहान यहाब्द लयत कल्लम बिल मत मिन لا यल्की लहा बालन يهوي बिहा في جهنم हज़रतब हुरार रज़ी अल्लाह तनों से रवायत है कि नबी करीम सरमाया बंदा अल्लाह ताली की रज़ामंदी के लिए एक बात ज़बान से निकालता है उसे वो कोई अहमियत भी नहीं देता नहीं उसे खबर नहीं होती कि यह बहुत ही अच्छी बात है कोई मगर उसी की वजह से अल्लाह तर्जे बुलंद कर देता है और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलेमा ज़बान से निकालता है जो अल्लाह ताली की नाराज़गी का बायस होता है वो शख्स को यह अहमियत नहीं देता वो कहते है ये तो कोई मामूली सी बात थी लेकिन उसी की वजह से वो जहन्नम में जा जागिरता है एक कलमा एक बात इंसान को कहाँ बुलंदियों पर ले जाती है और बाज़ात एक बात ही होती है जो इंसान बसा अवकात महज मजाक में किसी के बारे में कह देता है और वो उसके लिए मुसीबत का बायस बन जाती है रज साल में भी एक हदीस आती है हज़रत अकबा बिन आमिर से जो इस बात की मजीद वजाहत करती है बिन आमिर ने एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम निजात क्या है यानी निजात कैसे होगी कैसे बचेंगे हम जहन्नम से निजात के नुस्खे ज़बान काबू में रखो अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो और अपनी ख़ताओं पर रो हमारा सारा ध्यान किसकी तरफ होता है घर से बाहर की तरफ अपनी ज़ात से ज़्यादा हमें दूसरों की ज़ात पर परेशानी होती अपने मसाइल से ज़्यादा दूसरों के मसाइल अहम मालूम होते हैं उन पे तबसरे और बातें और बहसें अमूमन आप देखिए कि लोगों की गुफ्तु के मौजूद क्या होते हैं कौन होते हैं दूसरे लोग दूसरे सियासत, दुनिया भर की खबरों पर तबसरे और भूले हुए होते हैं खुद अपनी ज़ात को अपने आप को हमें दूसरों की कोताहियाँ ज़्यादा नजर आती हैं और उस पर हम ज़्यादा उलझते हैं जबकि ज़रूरत किस बात की है कि हम अपनी ज़ात को अपने काम का मैदान समझें कि इस पर वर्क करना है हम ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे अपने आप पे वर्क करना है मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना है मेरी ज़ात अंडर ऑब्जर्वेशन है मेरे अपने मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ बहुत अहम प्रोजेक्ट है मेरे सामने खुद पे काम करने का मैंने नहीं सुना कभी ऐसे कि किसी को अपनी फिक्र लगी हुई हो इस सेंस में कि कहाँ कहाँ मुझे मज़ीद अपनी असलाह की ज़रूरत है जितनी गुफ्तु हमारी दूसरों के बारे में होती है इतनी गफ्तु अगर हमारी अपनी असलाह के बारे में हो अपनी फिक्र के बारे में हो तो शायद कोई असलाह हो ही जाए अल्लाह करे कि हमें और भी समझ आ जाए अगर हमें किसी वक्त भी एहसास हो कि हमारी कोई गुफ्तु टेप हो रही है या ये कि कोई हमारी बात सुन रहा है या ये कि हमारी ये बात यहाँ से सुनकर कोई आगे ले जाएगा किसी और तक पहुँच जाएगी और वो दुनिया में हमारे लिए किसी मुसीबत का बायस बनेगी तो हमारे अंदाज किस कदर बदल जाते हैं आजकल बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हम अंडर सर्वेलेंस हैं हुं? महतात इससे पहले कि हम दुनिया के खौफ से महतात हों क्या एक मोमिन के लिए काफ़ी नहीं कि वो अल्लाह के खौफ से महतात हो और अपनी ज़बान से ना रवाब बातें ना निकाले ना मजाक में और ना ही किसी जोश और गज़ब में एक साहबी ने पूछा था कि क्या लोग अपने ज़बान की बातों की वजह से जहन्म में जाएंगे तो आपने फरमाया माँस तेरी माँ तुझे रोए मैं तुझे बहुत समझदार शख्स समझता था लोगों को उनके ज़बान की कटाई से बढ़ क्या चीज़ जहन्नम में ले जाएगी ये हमारी बातें ही होती हैं जो हमारे लिए बसाओ का दुनिया और आखरत की मुसीबत का बायस बन सकता और इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम किसी इंसान और बंदों और दुनिया के खौफ से नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ से अपनी ज़बानों को रोकने वाले और किसी के बारे में भी ना रवा तबसरे करने वाले ना बने और बग़ैर तहक़ीक के बातें ना किया करेंशौलत का ना कलाम रसूल सल्ला वसलमा

साफ, फसल यानी हर लफ्ज़ दूसरे से अलग या फमहू समझ लेता था उसको कुल्लू मन समय आहू हर वो शख्स जो उसको सुनता था यानी आपको सुनने वाला हर शख्स हर दर्जे हर जहनी लेवल और हर बैकग्राउंड का शख्स आपकी बात समझ जाता था इस बात की वजाहत एक और हदीस करती है ताला अन्हा की कहना युद्धी लउु लिया माना है कि आप सल्लाम जब कोई बात बयान करते वो ऐसी बात होती लउअला क्या माना गिनता उसको अलाने वाला गिनने वाला अगर उसको गिनता तो क्या होता लाद उसको गिन सकता था कि आपने एक मौके पर कितने अल्फाज पर मबनी बात की है हम अपना जायज़ा लें हुँ? क्या ख्याल है कितना जायद बोलते हैं कितना फ़ालतू हजरत आयशा ही रिवायत करती हैं असल में ये रिवायत एक तवील रिवायत का कुछ हिस्सा है कि एक शख़्स आया और आपके हुजरे के बाहर बैठकर कर नबी सल्ह वसलम की कुछ बातें बयान करने लगा आयशा उस वक्त नवाफिल पढ़ नहीं थी कहती कि कुन तो उस सब बेढ़ो व तस्बी कर रही थी और तस्बी का मतलब यहाँ तस्बी पकड़ के तस्बी करना नहीं बल्कि नमाज पढ़ना है इन्हें नमाज नफल वगैरह पढ़ नहीं थी तो वो उस शख्स को कुछ समझा ना सकें इससे पहले कि वो उससे बात करती वो जा चुका था अब जाहिर है कि उसकी बातें दूसरे लोगों ने सुनी तो उस मौके पर हज़रत तायशा बस इतनी बात करती हैं कि इन न रसुल्ला वसलमा लम यकुन युसरदुल्हदीस कसर दिखुम कि आप सल्हुह वसम तुम लोगों जैसी लंबी लंबी बातें नहीं किया करते थे क्योंकि किसी भी बात में ज़्यादा तवालत लंबी बात बात का असर भी खो देती है और उसके साथ साथ दूसरों के ऊपर बोझ भी बन जाती है दूसरे को समझने और सीखने में भी मुश्किल पैदा होती है क्योंकि आप सल्ह वसम एक माल्म थे और मम का काम क्या होता है कि वो दूसरे को जो सिखाना है सिखा दे और आप सब जानते हैं कि उस दौर में कागज़ कलम नहीं थे लिखने पढ़ने की सहूलतें नहीं थी लिखी हुई चीजें नहीं मिलती थी रिकॉर्डेड चीजें नहीं मिलती थी लोग जो कुछ सीखते सुनते वो एक ही बार उन्हें सुनना होता या दो बार या तीन बार तो सुनकर उन्हें याद भी करना होता था क्योंकि आपकी बातें कोई आम बातें तो नहीं थी अगर आप हम जैसी तवील बातें करते तो उन्हें कौन याद रख सकता और अगर याद ना रख सकते तो फिर हम तक वो सब कुछ कैसे पहुंचता और अगर किसी तरीके से पहुंच भी जाता तो आज के मसरूफ़ तरीन दौर में सारी सहूलतों के बावजूद किसके पास वक्त होता कि उनको पढ़ सकता या सीख सकता या जान सकता आज भी हम में से कितने लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की हुई बातें सारी जानते हों कितनी मालूम है सोचिए कितने फ़ीसद मुख्तर तरीन कलाम के बावजूद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितने फ़ीसद हिस्सा हम जानते हैं नहीं जानते तो अगर वो तवील होता तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हज़रत जाबिर कहते हैं यह आपके साहब हैं आपके साथी हैं जो आपकी गुफ्तगू के बारे में आगे लोगों को बताते हैं हज़रत जाबिर कहते हैं कानफी कलाम नब्बी सल्लासम तरतील ओ तरसील कानफी कलाम ही तरतील अरसील क्या माना तरतील का क्या माना ठहर ठहर के किसी चीज़ को पढ़ना और न सिर्फ ये कि ठहर ठहर के पढ़ना बल्कि हर लफ्स को वाजह करके अदा करना उसकी हरक़त और उसके मखारिज के साथ यानी पूरी तरह वाजहे भी करना और आता भी बात करना तरतील कमाना तो अन्नी भी होता है तमहुल भी होता है तो अन्नी का मतलब होता है टाइम लेके बात करना ठहर ठहर के बात करना और हरूफ और हरकत को वाजे करके बात करना कैसे ठहर के बात करना और हरूफ और हरकत को वाज करके बात करना यह था आप वसल्लम का कलाम और इस हदीस में भी क्या आता है काना कलाम रसूल सल्लास कलाम फसलन यफ हमहू कुल्लु मन समू अब जरा अपना जायजा लेते हैं हम अपने आप से पूछिए क्या मैं वाकई इस अंदाज में बात करती हूँ कि बात दूसरे को समझ आ जाए क्या हम इसकी शौरी कोशिश करते हैं और आपको मालूम है कि जब कम्युनिकेशन दुरुस्त नहीं होती तो सारे झगड़े पैदा होते हैं सारी मुश्किल पैदा होती हैं हम जब कहना कुछ चाहते हैं कहते कुछ और हैं या वाज तौर पर नहीं कहते तो सुनने वाला भी उसको दुरुस्त नहीं समझता जब आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और सुनने वाला उसको कुछ और समझ रहा है तो यहीं से एक इख्तलाफ पैदा हो जाएगा यहीं से मुश्किल पैदा हो जाएगी और फिर वो मल्टीप्लाई हो सकती है और उससे फिर ताल्लुक भी ख़राब होते हैं और उससे फिर बात का बतंगड़ बन जाता है बात कुछ से कुछ बन जाती है और फिर हम उस उलझी हुई चीजों को सुलझाने में आधी जिंदगी गुजार देते हैं हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा महज मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में गुजर जाता है तो क्या यह बेहतर नहीं कि पहले ही दर्जे पर कोशिश की जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो और उसके लिए बेहतर क्या है कि बात इस अंदाज में करें कि दूसरे को समझ आए और खास तौर पर इस हदीस में खुल्लुमन हर एक समझता था हर एक समझता था हमारी बात अगर चंद लोग समझ भी जाएं तो दूसरे नहीं समझ पाते क्योंकि हम रियायत नहीं करते दूसरे की केयर नहीं करते दूसरे का ख्याल नहीं रखते फिक्र है हमें तो सिर्फ अपनी है दूसरों के लिए जीना तो सीखा नहीं और गुफ्तु एक ऐसी चीज है जो हम सबसे ज्यादा दूसरों से करते हैं किसी के लिए कुछ करें या ना करें बातें जरूर कर लेते और अगर बातें भी ऐसी हों कि जो दूसरे को फायदा ना दें تو ہم نے اپنی زندگی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا کیا دیا کسی کو؟ اگلی حدیث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا عن انس انس رضي الله عنه سر अनन्नबी नबी सल्लास से अनहू बे शिकाप का न थे इज़ा तकलम जब कलाम करते बात करते बिकल मतन कोई बात आधहा दोहराते उसको लौटाते उसको सलासन तीन बार हत यहाँ तक के तुफ हम समझ लिया जाता यानी तीन बार तक आप उसको रिपीट करते यहाँ तक कि आपकी बात दूसरों को समझ आ जाती इससे मुराद ये नहीं कि हर बात ही आप तीन बार बोलते थे इससे मुराद ये कि जो अहम बातें होती या जब आप ये महसूस करते कि दूसरा शख़्स बात सुनने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो उसको तीन बार दोहराते इसी तरह वो इज़ाअ अला कमिन जब आप किसी कौम के पास आते फ सलम फिर आप उनको सलाम करते सलम सलासन तो आप उन पर तीन बार सलाम करते सूरत नूर की तफसीर में हम पढ़ चुके हैं कि आप जब किसी के हाँ मुलाकात के लिए जाते तो तीन बार सलाम करते क्यों कि अगर एक बार नहीं सुना तो दूसरी बार दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार और अगर जवाब ना मिलता तो वापस लौट आते जैसा कि कुरान पाक में आता है कि वह इज़ाक़ी को मुरजे उर्जेऊ ज़बान हाल से कोई कहे या ज़बान कल से कहे तिरमिसी की रवायत में इस हदीस की मज़ीद वज़ाहत मिलती है ल तोला के नबी सल्ह वसम जब बात करते तो तीन बार दोहराते ताकि आपकी बात समझ ली जाए गोया आपकी तवज्जो किस पर होती कि लोग आपकी बात समझ जाएं, समझाने पर दूसरे की तसल्ली कराते बुखारी की रिवायत में आता है कि इन न मबो तो बिजवा मुझे जाम कलिम के साथ भेजा गया है तो मुख्तसर बात करनी चाहिए वाज तौर पर बात करनी चाहिए समझाने की कोशिश करनी चाहिए shorter टू द पॉइंट और दूसरे समझ जाएं यानी मेक sure के दूसरे बात समझें क्योंकि अगर बात समझने में गलती हो गई तो अमल करने में उससे ज्यादा गलती हो जाएगी बड़ी समझाने की कोशिश होनी चाहिए और आप देखिए कि तीन बार उसी वक्त बात हो सकती है जब बात छोटी हो और अगर बात बहुत तवील हो और फिर वो तीन बार भी हो तो सुनने वाले का हाल क्या हो जाएगा سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا